सांसद जो सभी का सभी नेता हो या पब्लिक हो उनकी मंदिर माना जाता है, आज उस संसद को बंद किया गया है। इस वजह से बागा जी ने मुझे बताए और ये देश की सेवा में मुझे आना पड़ा। कांग्रेस पार्टी गलत नीतियों के कारण हम यहाँ पर है। संसद का समय बर्बाद हो रहा है, पैसों की बर्बादी हो रही है, और क्या हो रही है। कांग्रेस अपने पापा को छुपाने के लिए संसद को नहीं चलने दे रही है। यह कांग्रेस देश का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। संसद चलना चाहिए जिससे कानून बने, देश की जनता को उसका लाभ मिले। इसके लिए कांग्रेस दोषी है। उसके साथ जो भी रिलायंस में है सभी दोषी हैं। पार्लियामेंट चलना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कांग्रेस वालों से सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि सिर्फ एक परिवार के अहंकार, भ्रष्टाचार और दुराचार को छुपाने के लिए पूरे संसद जो देश के विकास के लिए बनाई गई है उसको अवरुद्ध करना कहां तक उचित है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके घर में भूखे नहीं है, क्या उन्हें गरीबों की फिक्र नहीं है इस वक्त, क्या अब उनके उन दलितों की याद नहीं आती जिनके घर में राहुल गांधी खाना खाने का ड्रामा करते थे। जीएसटी बिल रोक रखा है, बोनस बिल रोक रखा है, किस हैसियत से ये कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार थी। 60 साल से लूट रहे थे और अब जब सत्ता से बाहर फेंक दी गए तब भी देश को लूटने का ही काम करते हैं। हर बार कहा जाता है संसद के अंदर कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही, बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। अरे काम करने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। बैठे बैठे बोले बोले जो माँ बेटी की सरकार ने इतने साल हमारे लूटा है, हमारे को सीधा साधा लूटा है। संसद है, संसद जो है विचारों को विमर्श करने के लिए, वहाँ पे परिवार को परिवार के लिए नहीं है, ये देश के जो विकास है उसके लिए है। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये सत्र कंटिन्यू हो, देशवासियों को इसके फायदा पहुँचे। कांग्रेस ने अभी तक अपने गलत मंसूबों की वजह से इसको आगे नहीं आने दिया, जो कि बहुत ही गलत है। अगर सोनिया गांधी इतनी सच्ची है तो अगर वो कहती है, वो उसका बेटा कहता है ना कि आई हैव फुल फेथ इन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, व्हाई डजंट ही लेट द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट वर्क। कांग्रेस ने जिस तरह से हमारी देश की लोकसभा को बंधक बना के रखा है, सिर्फ इस अपने जो व्यक्तिगत जो इनके खिलाफ जो जैसे नेशनल हेराल्ड केस है, इनमें इनको आरोपी बनाया गया है, तो ये जो उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरह से ये उसको एक डील करना चाहते हैं सरकार के साथ कि भाई लोकसभा को हम जब चलने देंगे तब हमारे खिलाफ ये जो केस है, जो जांच है, उनको बंद कर दिया। तो ऐसा तो लोकतंत्र में हो नहीं सकता, और ये लोकतंत्र को एक तरह से बंधक बनाने का कांग्रेस का प्रयास है।